तो आपके साथी चडूनी जी भी आ रहे हैं? मुझे जानकारी नहीं। कई राज्यों से सर पहुंच रहे हैं किसान? आप कई राज्यों से? गेहूं क्या मामला है? गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। बंदर का हाथ पे गेहूं पड़ा, जो छोटा व्यापारी है वो मरेगा। भाई आपका ठीक भाव था इंटरनेशनल मार्केट में, दो पैसे बच जाते किसान को। और हमारे पास में ऐसा नहीं कि फूड की कोई प्रॉब्लम है, मोटा अनाज हमारे पास में बहुत है। गेहूं भी है हमारे पास, मक्का है, बाजरा है, धान हमारे पास में, चावल हमारे पास में। तो और गेहूं तो को भाव ठीक मिलेगा तो अगले साल गेहूं ज़्यादा पैदा करता है किसान। तो हमने सरकार को कहा है कि आप इसका निर्यात खोल लो इंटरनेशनल मार्केट में। अब की बार हमको फ़ायदा मिलना जा रहा है तो हमको इंटरनेशनल मार्केट पर कब जा। वादा खिलाफ भी तो सरकार कर ही रही, बोल रहे कुछ उसमें घोषणा पत्र में कुछ है, काम करती रही। जैसे उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने कहा बिजली फ्री देंगे। हमने कहा भाई हरियाणा इसमें बहुत जगह बिजली फ्री है, बहुत स्टेट में आप भी फ्री दे दो। खैर उन्हें आधे रेट तो करे, आधे रेट कम करे, लेकिन फ्री नहीं करी। लेकिन अब मीटर लगाने शुरू कर दिए बगैर उसके। तो इस तरह की बात है। तो सर पंजाब में कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से अब धरने पर बैठ गए हैं तो जाएंगे आप वहाँ? हमसे बात करेंगे कि इशू क्या है उनका, पूरा बातचीत करेंगे। कोई फूट नहीं है। तो सर किस तरह से मजबूत होगा अधिवेशन जो? अरे मजबूत तो है अधिवेशन, अधिवेशन तो जनता सा होता है भाई। अधिवेशन तो ठीक है, ये तो कम लोग बुलवाए थे कि 300-400 लोग मन में रहेंगे। लेकिन हालात ये है कि एक बार पता चल जाओ कि वहाँ मीटिंग है, बस सब अपना चल दे भाई। तो इसका मतलब ये है कि स्थिति किसान की मजबूत है और वो आंदोलन के मूड में है। तो आपके साथी चडूनी जी भी आ रहे हैं? मुझे जानकारी नहीं। कई राज्यों से सर पहुंच रहे हैं किसान? आप कई राज्यों से?